दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है ये एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है जो बहुत सारी मशीनों को कंट्रोल करता है। तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल अगर हम सिंपलिस्ट टर्म्स में बोलेंगे तो वो क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विच यूज़ इलेक्ट्रिकल पावर टू कंट्रोल द वेरियस मैकेनिकल फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो ये सिंपलेस्ट टर्म्स में था। तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में मेन दो चीज़ें होती है, एक तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है और दूसरा जो अंदर वाला हिस्सा होता है जिसमें सारा कंट्रोलिंग जैसे MCCB हो गया, टोगलर हो गया, रिले हो गया, तो ये सारी चीज़ें। तो ये हम अभी चेक करेंगे। ये अभी साइड पे जो है अपना कंट्रोल पैनल है, इसको मैं अभी खोलता हूँ। ये मेन स्ट्रक्चर वाला पैनल जिसे मैंने खोल दिया, तो ये है अंदर वाला हिस्सा जो कंट्रोल पैनल का, जहाँ पे अभी लाइटिंग आ रही है, अभी इसमें लाइट ऑन है। तो ये जो सारा आपको दिख रहा है ये इंडिकेटर होते हैं, यानी कि लाइटिंग होती है कौन सा फेज़ है। जैसे ये अपना हो गया आर फेज, वाई फेज़, बी फेज, तो ये सारी आर वाई बी हो गया। और यहाँ पे जो हो गया है ये जो है ऑन ऑफ और ये ट्रिप होता है। और यहाँ पे ये आपको मीटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपना एम्पियर में या वाट में, जैसे किलो वाट में सारा रीडिंग दिखाई देता है पावर का। और ये सारी लाइटिंग होती है, जैसे ये ब्लोवर के लिए है, ये अपना पंप के लिए है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारी ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे स्टार्ट है, स्टॉप है। और ये सारा अपना लाइटिंग का सिस्टम है, सोलेनोइड वालों का कनेक्शन है, ये वाटर लेवल सेंसर के लिए है। और ये जो है ये मेन इनकमर है, ये जो स्विच है ये मेन इनकमर स्विच है। तो ये इसका स्ट्रक्चर में आता है। अब हम इसको, ये अंदर एक और दरवाज़ा है इसका, जब हम खोलेंगे तो ये पूरा पैनल आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये पूरा पैनल, ये मेन इनकमर है, यहाँ से जो अभी लाइट आ रही है अभी ये ऑफ हुआ है, ये जो मेन इनकमर है यहाँ से लाइट अपनी आ रही है, तो ये मेन इनकमर अभी ऑफ है। तो यहाँ से जैसे लाइट आती है तो अंदर से ये पूरा, ये आप दिख रहे हो, यहाँ से लाइट जाएगी। और ये अगर हम देखेंगे, ये यहाँ से लाइट जब आएगी तो इसमें जाती है, तो ये अपना यहाँ पर ये लगा है। तो यहाँ पे जो है ये कॉन्टैक्टर, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्टर, यहाँ से लाइट फिर इसमें सारे में पास होती है। और ये जो है अपना ओवरलोड रिले है, ये जो है ये रिले है यहाँ पे। जैसे ये रिले का काम क्या होता है, जैसे अगर कोई भी अनबैलेंस फेज हो गया या नेगेटिव फेज हो गया, कोई भी इसमें मिसबैलेंस हो गया, तो उसमें क्या होता है ये तुरंत इसको ट्रिप मारता है, ये इसको ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। और उसके बाद ये अपनी MCB है सारी, और ये जो है ये इसको बोलते हैं हम WLDC, यानी कि वाटर लेवल। ये जो है WLDC वाटर लेवल का है। जैसे ये पंप, जैसे अगर हमें एक और या दो चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें चलानी है मशीन की, तो उसमें ये ऑन ऑफ करता है, उसको लोड को चेंज करता रहता है। और ये अपना है कंट्रोलर, ये जो यहाँ पे ये मेन कंट्रोलर है। और यहाँ पे जो आप दिख रहे हो ये है जो कन्वर्ट करता है AC को DC में। और ये अपना रिले हो गया, ये ओवरलोड रिले हो गया। अब ये जो है SPP, ये हो गया सिंगल फेज प्रोटेक्ट प्रिवेंटर। ये क्या करता है, जैसे ही अगर सिंगल फेज में चल रहा है, अगर कुछ भी ज़्यादा लाइट हो गई या कुछ भी मतलब हाई करंट आ गया, तो ये उसको तुरंत ऑन ऑफ कर देता है, तो ये प्रिवेंट करता है उसको सिंगल फेज को। और यहाँ से अपना पंप वगैरह चलता है, जैसे पंप अपने दो होते हैं, यहाँ पे पंप की लाइट आएगी तो यहाँ चलेगा। तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल पैनल है, जैसे अभी ये इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे, इसमें जो इलेक्ट्रिकल पैनल बेसिकली इसीलिए यूज़ करते हैं, जैसे हमें बहुत सारी मशीनें चलानी है तो उसको कंट्रोलिंग के लिए हम ये इलेक्ट्रिकल पैनल यूज़ करते हैं। तो ये सारा इलेक्ट्रिकल पैनल आप यहाँ पे देख रहे हो लाइव। तो ये सारे कनेक्शन हुए हैं अपना, जैसे ये मेन इनकमर, इसमें लाइट जा रही है, ये अपना कंट्रोल जो रिमोट कंट्रोल पैनल नीचे एक है इसका, तो उसके लिए वायर जा रही है, वाटर लेवल सेंसर का, तो ये सारे कनेक्शन है। तो ये अंदर जो है ये पैनल का जो असली सही स्ट्रक्चर जो अंदर से होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा पैनल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे वायरिंग हुई है पैनल में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये अंदर वाला जो मेन हिस्सा होता है ये पैनल का होता है। और ये यहाँ पे लाइटिंग लगी, जैसे ये लिमिट स्विच में ऑन करूँगा तो इसमें लाइट आएगी। जैसे मैं यहाँ पे ये मेन इनकमर ऑन करूँगा, मैंने ऑन किया है, अभी इसमें लाइट आ गई। तो ये लिमिट स्विच लाइट के लिए, तो जैसे मैं इसको बंद करूँगा, बंद हो गया, ऑन करूँगा तो ये ऑन होता है अंदर देखने के लिए। अगर आपको शाम को देखना होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन होता है उस टाइम पर। तो ये आप सारा देख सकते हो, अभी मैंने ये मेन इनकमर ऑन किया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो लाइटिंग अभी आ रही है। अब ये मतलब हम इस बटन से स्टार्ट कर सकते हैं, इस बटन से स्टार्ट कर सकते, यहाँ पे सारी लाइटिंग आ गई। और ये लो लेवल हाई लेवल पे ये वाटर इसका होता है। और ये इमरजेंसी स्विच, जैसे इसको बंद किया तो बंद हो गया, ऑन की बंद हो गया इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी खोलना होगा तो उसको खोल सकते हो। तो ये सारा मेन पैनल का ये है। तो जैसे अभी मैं इसको फिर से बंद करता हूँ, जो मेन कमर है इसको मैं बंद करता हूँ, तो ये बंद हो गया फिर से नीचे से।
तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों पैनल के बारे में, पैनल किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, और इसको अब हम बंद करते हैं।